हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरोशा नर्सिंग एकेडमी। और मैं आज शशांक एक बार फिर आपके सामने आज हाजिर हो चुका हूँ एक नई वीडियो को लेकर के। कार्डियो पोर्शन से एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें क्या है कि टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं कार्डियोलॉजी में, मेडिकल सर्जिकल में, वो प्लस उसके कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके लिए लेके आया हूँ, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो ध्यान से देखिए वीडियो, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। कार्डियो पोर्शन से टर्मिनोलॉजीज लेके आया हूँ कुछ। सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनोलॉजी पे। सबसे पहला है प्रीलोड। तो फ्रेंड्स, प्रीलोड किसको बोलते हैं, किसको प्रीलोड बोला जाता है, बेसिकली उस पर बात कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट स्ट्रेचेज द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट स्ट्रेचेज द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल को जो ब्लड, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड उसको स्ट्रेच करता है एट द एंड ऑफ डायस्टोल, मतलब कि जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो जाता है उस टाइम पर जो अमाउंट यूज होता है वेंट्रिकुलर वॉल को स्ट्रेच करने के लिए, उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, प्रीलोड बोला जाता है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट स्ट्रेचेस द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एट द टाइम ऑफ डायस्टोल, उसको बोलते हैं प्रीलोड। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आफ्टरलोड। आफ्टरलोड किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, द फोर्स अगेंस्ट विच, ध्यान से देखिएगा ऊपर वाले में था द अमाउंट ऑफ ब्लड, ब्लड का अमाउंट जो काम आता है वेंट्रिकुलर वॉल को स्ट्रेच करने में एट द एंड ऑफ डायस्टोल, उसको प्रीलोड बोलते हैं। लेकिन इसमें है द फोर्स अगेंस्ट विच, फोर्स जो फोर्स लगती है अगेंस्ट विच द हार्ट हैज टू पंप टू इजेक्ट द ब्लड आउट, मतलब कि जो हार्ट को मेहनत करनी पड़ रही है या लेफ्ट वेंट्रिकल को जो मेहनत करनी पड़ रही है, जो फोर्स लगानी पड़ रही है टू इजेक्ट द ब्लड आउट ऑफ द वेंट्रिकल, उसको क्या बोलते हैं, आफ्टरलोड बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीलोड और आफ्टरलोड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, कि जो फोर्स लगती है अगेंस्ट द हार्ट विच हैज टू पंप ब्लड आउट ऑफ द वेंट्रिकल, तो उसको बोला जाता है आफ्टरलोड। अब बात करते हैं कि आफ्टरलोड किस किस कंडीशन में कम ज़्यादा हो सकता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन, जब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, छोटी हो जाएगा, नैरोइंग हो जाएगी वेसल्स की, तो आफ्टरलोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब वेसल्स छोटी हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल को और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा किसके लिए, ब्लड को बाहर इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, वेसल डायलेशन में क्या हो जाएगा, जो आफ्टर लोड है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो मतलब जैसे ही वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ब्लड को इजेक्ट करने के लिए, वहीं वेसल डायलेशन हो जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल को उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, तो आफ्टर लोड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन आफ्टर लोड इंक्रीजेस एंड वेसो डायलेशन में आफ्टर लोड जो है वो कम हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कार्डिक आउटपुट। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्डिक आउटपुट किसको बोला जाता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय हार्ट इन अ मिनट, एक मिनट में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। ठीक है, कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या डेफिनेशन है फ्रेंड्स, स्ट्रोक वॉल्यूम है द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन ईच हार्ट बीट, एक मिनट में कार्डिक आउटपुट और एक हार्ट बीट, मतलब कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक हार्ट बीट में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट होता है बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन ईच हार्ट बीट, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और वो अमाउंट कितना होता है फ्रेंड्स, 70 ml, पहले बात कर चुके हैं 70 ml जो ब्लड है वो एक बार में जो है इजेक्शन होता है उसका 70 ml का ब्लड का। तो स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। फ्रेंड्स कार्डिक आउटपुट का जो फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, और स्ट्रोक वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन ईच हार्ट बीट, तो वो अमाउंट कितना है 70 ml। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें टोटल कार्डिक आउटपुट की बात करें, टोटल कार्डिक आउटपुट की अगर हम बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया 70 ml, और हार्ट रेट अगर हम नॉर्मल एवरेज हार्ट रेट की बात करें तो 72, तो कार्डिक आउटपुट का अमाउंट कितना आ जाएगा 5040 ml।
नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 liters जो है वो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है। तो ये थी बात कार्डियक आउटपुट की फ्रेंड्स, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय हार्ट इन अ मिनट। उसको बात करते हैं अब कैपिलरी प्रेशर की। तो प्रेशर विद इन द कैपिलरीज, मतलब कैपिलरी प्रेशर मतलब प्रेशर विद इन द कैपिलरीज इज नोन एज कैपिलरी प्रेशर। तो कैपिलरी बेड जब हमने डिस्कस किया था इससे पहले, तो मैंने आपको बताया था कि कैपिलरी जो है वो आर्टरी को और वेन को जोड़ने का काम करती हैं। तो एट द आर्टेरियल एंड यानी कि आर्टेरियोल्स के पास जो प्रेशर होता है वो 25 टू 30 mmHg होता है, और एट द वीनस एंड यानी कि वेन्यूल्स के पास जो प्रेशर होता है वो 10 टू 15 mmHg होता है। ठीक है, तो ये बात थी कैपिलरी प्रेशर की। कार्डियक आउटपुट और कैपिलरी प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मीन आर्टेरियल प्रेशर। बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर से। फॉर्मूला पूछ लेता है और पूछ लेता है कि इतना अमाउंट है, ये वैल्यूज हैं, आप मीन आर्टेरियल प्रेशर निकाल के दिखाइए। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर के बारे में देख लेते हैं, MAP। ठीक है, इट इज द एवरेज प्रेशर इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू आउट द कार्डियक साइकिल। मतलब एक एवरेज प्रेशर इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब कि एक नॉर्मल एवरेज प्रेशर जो है पूरे सर्कुलेशन में एक कार्डियक साइकिल में जो है वो होता होगा कुछ, उसको ही मीन आर्टेरियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इट इंडिकेट्स गुड टिश्यू परफ्यूजन, मतलब कि अगर नॉर्मल लेवल है, MAP आपका नॉर्मल है, तो जो है टिश्यू परफ्यूजन जो है वो काफी अच्छा है किसी भी टिश्यू के लिए। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल ब्रेन के लिए अगर हम बात करें, अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है नॉर्मल नहीं है, तो हो सकता है कि ब्रेन में जो सप्लाई है या फिर टिश्यू परफ्यूजन है उसका वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है। तो नॉर्मल देख लेते हैं, जो नॉर्मल लेवल है इसका मीन आर्टेरियल प्रेशर का वो होता है 70 to 110 mmHg। ठीक है, अगर हम निकालने की बात करें, फॉर्मूले की बात करें, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 × डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय 3। निकाल करके मैं आपको दिखाता हूं। सपोज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल हम ले लेते हैं 120 प्लस डायस्टोलिक BP 80 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 8 16। तो 120 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 3, तो 120 प्लस 160 ये हो जाएगा 280 बाय 3, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 9 3 27 9 1 3 3 9.3। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो आ जाएगा आपका नॉर्मल जो MAP है वो 93.33 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है बेसिकली एक एवरेज प्रेशर है इन सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू अ सिंगल कार्डियक साइकिल, और इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 × डायस्टोलिक प्रेशर ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय 3, और नॉर्मल कितना होता है 70 to 110 mmHg, और इट इंडिकेट्स गुड टिश्यू परफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पल्सस पैराडॉक्सिकस। पल्सस पैराडॉक्सिकस क्या होता है फ्रेंड्स, डिक्रीज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 10 mmHg ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। मतलब कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन सांस अंदर लेते समय यदि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो जो आपका बेसलाइन ब्लड प्रेशर था उससे 10 कम हो जाता है, उसको बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सिकस। मतलब कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का कम हो जाना मोर देन 10 mmHg, 10 mm से ज्यादा ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का कम हो जाना ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, उसको बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सिकस। ठीक है, ये बेसिकली देखा जाता है किस केसेस में, COPD के केस में देखा जाता है, अस्थमा के केस में देखा जाता है, और कार्डियक टैम्पोनेट के केस में भी ये देखा जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई पल्सस पैराडॉक्सिकस की। आगे बढ़ते हैं, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। अब ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं, डिक्रीज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 20 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 10 mmHg विद इन 3 मिनट्स ऑफ चेंजिंग पोजिशन। मतलब क्या है,
कहने का क्या मतलब है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का 20 से ज्यादा कम हो जाना और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का 10 से ज्यादा कम हो जाना विद इन 3 मिनट्स ऑफ चेंजिंग पोजिशन, यानी कि 3 मिनट के अंदर अंदर यदि किसी ने पोजिशन चेंज करी है, सुपाइन पोजिशन से स्टैंडिंग पोजिशन या सिटिंग पोजिशन में आया है और तब हमने उसका बीपी रिकॉर्ड किया है, और यदि उसका बीपी जो है सिस्टोलिक बीपी 20 से ज्यादा कम हो गया और डायस्टोलिक बीपी जो है वो 10 से ज्यादा कम हो गया, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 20 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 10 mmHg विद इन 3 मिनट्स ऑफ चेंजिंग पोजिशन, मतलब सुपाइन टू सिटिंग या सुपाइन टू स्टैंडिंग पोजिशन, 3 मिनट के अंदर अंदर अगर ये प्रेशर वेरिएशन आ रहा है तो उसे बोलेंगे ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आगे बढ़ते हैं, PCWP पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो है उसकी क्या डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर प्रेजेंट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, मतलब जब डायस्टोल के एंड पे जो वेंट्रिकल्स में अमाउंट रह जाएगा प्रेशर का, द अमाउंट ऑफ प्रेशर प्रेजेंट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, मतलब जो प्रेशर होगा उस टाइम पे एट द एंड ऑफ डायस्टोल वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर होगा उसको ही बोलेंगे पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। और बेसिकली इसको नापा कैसे जाता है, कैसे इसको मेजर किया जाता है, स्वान ग्रास कैथेटर, स्वान ग्रास कैथेटर इज यूज टू मेजर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। नॉर्मल जो होता है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर वो होता है 6 to 12 mmHg, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 6 to 12 जो है इसकी नॉर्मल प्रेशर की जो नॉर्मल अमाउंट है वो 6 to 12 है। स्वान ग्रास कैथेटर जो है वो दिखता कैसा है वो मैं आपको बता देता हूं, ये स्वान ग्रास कैथेटर ये आप देख सकते हैं, स्वान ग्रास कैथेटर ऐसे होता है, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है कि इमेज दे देंगे आपको और पूछेंगे कि क्या चीज है, तो इसको बोलते हैं स्वान ग्रास पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, जिससे कि पल्मोनरी आर्टरी या लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो मेजर किया जाता है एट द एंड ऑफ डायस्टोल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, ये थी टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की जो कि कार्डियो में यूज किए जाते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कार्डिक एंजाइम्स। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे हार्ट में कोई भी कार्डिक इवेंट होता है या कोई कार्डिक एक्टिविटी होती है, उसमें क्या है कि कोई किसी भी कार्डिक इवेंट की वजह से जो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्डिक मसल रिलीज करती हैं हमारे ब्लड में, उनका लेवल जो है वो बढ़ जाता है किसी भी कार्डिक इवेंट की वजह से। तो हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और उनका नॉर्मल अमाउंट कितना होता है और वो कब कब पाए जाते हैं ब्लड में। कार्डिक एंजाइम्स की बात कर लेते हैं, 4 कार्डिक एंजाइम्स होते हैं, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, क्रिएटिन काइनेज और LDH, जिसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो सबसे पहले देख लेते हैं मायोग्लोबिन को। मायोग्लोबिन जो है वो रिलीज जो राइज टाइम होता है जो उसका वो 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स उसका राइज टाइम है जब वो राइज पे होता है अपने, डिक्लाइन टाइम जब वो कम होने लग जाता है वो है 24 to 36 आवर्स के बाद, मतलब वो आपको मिलेगा नहीं वहां पे, मतलब ब्लड सीरम में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप उसको मेजर भी करना चाहें तो करेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तो और जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है लेस देन 90 mcg/L। ठीक है, तो राइज टाइम और डिक्लाइन टाइम याद करने का तरीका भी है, मैं आपको बताता हूं। MTCL, जैसे MTNL का फोन होता था, तो इसको याद करने का तरीका MTCL, M से मायोग्लोबिन, T से ट्रोपोनिन, C से क्रिएटिन काइनेज, L से लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो 2, 3, 2, 3 जा 6 और 6, 4 जा 24। तो ये राइज टाइम याद करने का तरीका है MTCL, इससे इसकी मदद से आपको राइज टाइम जो है वो याद हो जाएगा सारे कार्डिक एंजाइम्स का। MTCL 2, 3 जा 6, 6, 4 जा 24। तो मायोग्लोबिन का देखते हैं हम, तो राइज टाइम कितना है,
2 hours और डिक्लाइन टाइम 24 to 36 hours यानी कि 1 से 1.5 दिन, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू लेस देन 90 mcg/L। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के दो आइसोमर होते हैं, ट्रॉप टी एंड ट्रॉप आई। ट्रॉप आई जो होता है वो मोर स्पेसिफिक होता है, ट्रॉप आई जो है वो मोर स्पेसिफिक होता है। और इसका जो राइज टाइम है, मैंने जैसे आपको बताया कि याद कैसे करना है, राइज टाइम जो है वो इसका 3 hours है और डिक्लाइन टाइम है जो इसका वो 7 to 10 days है, ठीक है। ट्रॉप आई की नॉर्मल वैल्यू जो है वो लेस देन 0.6 और ट्रॉप टी की जो नॉर्मल वैल्यू है 0.1 to 0.2 mg/ml, ठीक है। ये बात हुई ट्रोपोनिन की, ठीक है। नेक्स्ट कार्डिक एंजाइम, कार्डिक काइनेज, सॉरी क्रिएटिनिन काइनेज। क्रिएटिनिन काइनेज का जो राइज टाइम है वो है 6 hours, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर इसको यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3, 6, तो 6 पे राइज टाइम जो है वो 6 hours है क्रिएटिनिन काइनेज का, और डिक्लाइन टाइम है 2 to 3 days। और जो नॉर्मल वैल्यूज है वो है 26 to 174 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं LDH की, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, इसकी बात करते हैं। तो जो इसका राइज टाइम है वो मैंने आपको बताया था 6, 4 और 24, तो राइज टाइम जो है वो 24 है और जो इसका डिक्लाइन टाइम है वो 7 to 14 days है, और जो नॉर्मल वैल्यू है वो 140 to 280 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। तो राइज टाइम याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अब डिक्लाइन टाइम के लिए देखते हैं क्या तरीका है। ये जो फ्रेंड्स हैं मायोग्लोबिन और क्रिएटिन काइनेज, ये ऑलमोस्ट सेम है, ये 1 से 1.5 दिन इसको डिक्लाइन टाइम में लगता है और इसका डिक्लाइन टाइम 2 से 3 days है, ठीक है। ट्रोपोनिन और इसकी बात करें तो ये भी सेम है, ये 7 से 10 दिन में डिक्लाइन हो जाता है और ये 7 से 14 दिन में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये भी सेम है, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। इसके आइसोमर्स देख लेते हैं, LDH1 जो कि पाया जाता है हार्ट में और RBC में, LDH2 जो रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स में पाया जाता है, LDH3 जो लंग्स में पाया जाता है, LDH4 प्लेसेंटा किडनी और पैंक्रियास में पाया जाता है, LDH5 लीवर स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। इन केस वैसे तो नॉर्मल जो है वो LDH2 जो है वो ज़्यादा होता है LDH1 से, लेकिन अगर LDH1 ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है LDH2 से, इस कंडीशन को बोला जाता है कार्डिक फ्लिप, इस कंडीशन को बोला जाता है कार्डियक फ्लिप। तो कार्डियक फ्लिप नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्डियक फ्लिप किसको बोलते हैं, जब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस 1 लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस 2 से ज्यादा वैल्यू हो जाती है उसकी, उसको बोलते हैं कार्डियक फ्लिप, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था कार्डियक एंजाइम्स। कार्डियक एंजाइम 4 होते हैं, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, क्रिएटिन काइनेज और LDH, ठीक है। इसका राइज टाइम याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, MTCL 2, 3, 6, 6, 4, 24, ठीक है। और जो इसका डिक्लाइन टाइम है वो भी 1 से 1.5 दिन, 2 से 3 दिन, 7 से 10 दिन, 7 से 14 दिन, तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। ये बात थी कार्डियक एंजाइम्स की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। नेक्स्ट टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में आपको पता है कि टोटल लिपिड्स देखा जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखा जाता है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल लेवल है वो है लेस देन 200 mg/dL। तो 200 से कम जिनका होता है कोलेस्ट्रॉल वो मतलब नॉर्मल होता है, और 200 से ज़्यादा होता है इट मीन्स कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बड़ा हुआ है। टोटल ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी सेम है, लेस देन 200 mg/dL। ट्राइग्लिसराइड में आपको दो तरह के लिपिड्स देखने को मिलेंगे, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। इसमें HDL की जो वैल्यू है 30 to 70 mg/dL और LDL की जो वैल्यू है लेस देन 130 mg/dL। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है टेस्ट BNP, बीटा टाइप नैट्रीयूरेट्रिक पेप्टाइड, ठीक है। BNP नॉर्मल वैल्यू जो है इसकी लेस देन 100 pg/ml है, और बेसिकली ये जो BNP है ये एक मार्कर होता है हार्ट फेलियर के लिए। जब भी हार्ट फेलियर होता है तो इसका जो लेवल है नॉर्मल वैल्यू से वो रेज हो जाता है, नॉर्मल वैल्यू है लेस देन 100 pg/ml। और ये कब रिलीज होता है, इट रिलीजेस इन रिस्पॉन्स टू वेंट्रिकुलर वॉल स्ट्रेचिंग। वेंट्रिकुलर वॉल की जब ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है तब ये जो BNP पेप्टाइड है ये तब उसका लेवल जो है वो बढ़ता है।
तो इट रिलीजेस इन रिस्पॉन्स टू वेंट्रिकुलर वॉल स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट टेस्ट की बात कर लेते हैं, BUN, जिसको आपको पता है बन को बोलते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बेसिकली किडनी को अफेक्ट करता है, लेकिन जब भी कोई कार्डियक इवेंट होता है तो जो बन लेवल्स हैं वो इंक्रीज देखने को मिलते हैं। नॉर्मल जो इसकी वैल्यू है वो 7 to 20 mg/dL है, और आफ्टर एनी कार्डियक इवेंट बन इंक्रीजेस। जब भी कोई कार्डियक इवेंट होता है तो जो बन की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ब्लड कोएगुलेशन टेस्ट। ब्लड कोएगुलेशन टेस्ट मतलब कि खून की जो थिकनेस है वो कितनी है, कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, उसको ये दर्शाता है। इसकी जो इसमें जो चीज़ें देखी जाती हैं वो है PT और APTT। PT मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो नॉर्मल होता है 9.6 to 11.8 seconds जो नॉर्मल होता है, और बेसिकली ये जब मेजर किया जाता है जब वारफरिन थेरेपी चल रही हो किसी को, वारफरिन थेरेपी के टाइम पे PT मेजर किया जाता है। मोस्ट एक्यूरेट पर अगर आपसे पूछे और INR ऑप्शन में हो तो INR जो है मोस्ट एक्यूरेट होता है, ठीक है। उसके बाद APTT पे आते हैं। APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये इसका जो नॉर्मल लिमिट है, जो नॉर्मल टाइम है 22-36 seconds, और ये कब मेजर किया जाता है, मेजर ड्यूरिंग हेपरिन थेरेपी। जब हेपरिन की थेरेपी चल रही होती है, हेपरिन थेरेपी चल रही होती है, तब APTT को मेजर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट पे चलते हैं, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे नॉर्मल एक पिक्चर होती है जो चेस्ट की ली जाती है, ठीक है। बेसिकली जो प्लेसमेंट है हार्ट की और जो साइज है हार्ट का, उसको चेक करने के लिए जो है वो पिक्चर ली जाती है चेस्ट की, चेस्ट एक्सरे बोलते हैं उसको, टू चेक द साइज एंड पोजिशन ऑफ हार्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्डियोमेगेली हो गई है, तो कार्डियोमेगेली के केस में पता लगा सकते हैं चेस्ट एक्सरे से, है ना। नेक्स्ट टेस्ट पे चलते हैं, ब्लड ग्लूकोज। अब ब्लड ग्लूकोज भी बर्न की तरह, जब भी कोई कार्डियक इवेंट होता है तो जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। एनी आफ्टर एनी कार्डियक इवेंट ब्लड ग्लूकोज इंक्रीजेस, ठीक है। तो नॉर्मल रैंडम आपको पता है लेस देन 124 होता है, लेकिन यूजुअली जो है ब्लड ग्लूकोज जो है वो जब कोई कार्डियक इवेंट होता है तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टेस्ट होल्टर मॉनिटरिंग। होल्टर मॉनिटरिंग एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जहां पे क्लाइंट को बोला जाता है होल्टर मॉनिटर पहनने के लिए। इट इज नॉन इन्वेसिव टेस्ट वेयर क्लाइंट वेयर ए होल्टर मॉनिटर एंड ECG ट्रेसिंग इज रिकॉर्डेड कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स और मोर व्हाइल क्लाइंट परफॉर्म हिज डेली लिविंग एक्टिविटीज। मतलब क्लाइंट को ये होल्टर मॉनिटर पहनने के लिए दे देते हैं, और क्लाइंट को बोला जाता है कि जो जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो आप डेली लिविंग पे जैसे जैसे आप काम करते हैं वो परफॉर्म कीजिए, और वाइल द टाइम जब वो एक्टिविटी करता है पेशेंट या क्लाइंट, तब ये जो है ECG को रिकॉर्ड करता रहता है, और ये ECG जो है वो रिकॉर्डेड रहती हैं। तो इससे हम डिसरिथमिया का पता लगा सकते हैं कि किस एक्टिविटी से या किस एक्सर्शन से जो है वो कार्डिक चेंजेस हो रहे हैं, डिसरिथमिया देखने को मिल रहा है। बेसिकली इंडिकेशंस यही है, डिसरिथमिया नॉट रेस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट। मतलब होल्टर मॉनिटरिंग कब कब करते हैं, डिसरिथमिया हो रहा हो जो कि ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, तो पता लगाने के लिए कि कौन से टाइप का डिसरिथमिया है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जा सके। सेकेंड, टू वैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी डिसरिथमिक ड्रग्स, उनकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए कि जब हमने शुरू किया था ट्रीटमेंट तब कैसा रिदम था और अभी कैसा रिदम है, उसको इवेल्युएट करने के लिए भी इस टेस्ट को यूज किया जाता है। और टू आइडेंटिफाई डिसरिथमियास, आइडेंटिफाई करने के लिए डिसरिथमिया को कि कौन से टाइप का डिसरिथमिया है, उसको बेसिकली होल्टर मॉनिटर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड ECG जो है वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। इसमें मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं, ये देखिए, ऐसे एक डिवाइस जो है वो पेशेंट को दे दिया जाता है, और ये डिवाइस की जो ये ECG आप देख रहे हैं ये रिकॉर्डेड रहती हैं इसमें, और ऐसे करके ये प्लेस किया जाता है ताकि कोई अल्ट्रेशन ना हो डेली लिविंग में, और नॉर्मल पेशेंट अपनी एक्टिविटी कर सकता है। तो ये होल्टर मॉनिटर डिवाइस है, ठीक है, इसमें ECG रिकॉर्ड हो जाती है। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा डिवाइस है और पूछ सकता है आपसे, तो ये होल्टर मॉनिटरिंग के लिए डिवाइस है जो कि ECG को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और पेशेंट को आप बोल सकते हैं कि वो अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है जैसे वो करता है यूजुअली, ठीक है। और किसको आइडेंटिफाई करता है, ये डिसरिथमिया को आइडेंटिफाई करता है होल्टर मॉनिटरिंग।
तो जो नेक्स्ट टेस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टेस्ट है इको या इकोकार्डियोग्राफी, जो बेस्ड है प्रिंसिपल पे, अल्ट्रासोनोग्राफी के प्रिंसिपल पे, अल्ट्रासाउंड के जो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसमें क्या करते हैं, नॉर्मल प्रोब लग के विजुअलाइज करते हैं स्ट्रक्चर चेंजेस और फंक्शनल चेंजेस हार्ट के। तो बेस इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड। नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है इसके लिए। इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इन्वेजिव मतलब कि अब हमने बॉडी पार्ट को, बॉडी टिश्यू को ओपन करके उसमें कुछ पंक्चर करके बॉडी के अंदर जा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर सिंपल ब्लड कैनुलाइजेशन भी कर रहे हैं तो भी वो इन्वेजिव प्रोसीजर है। अगर बॉडी टिश्यू को नहीं ओपन करा जा रहा, नॉर्मल ऊपर ऊपर से ही टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। तो ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी ब्लड वेसल को पंक्चर करने की या कोई बॉडी टिश्यू ओपन करने की। टू इवेलुएट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन हार्ट, हार्ट के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होते हैं उसको ये इवेलुएट करता है। जैसे इजेक्शन फ्रैक्शन अगर कम हो जाए तो इवेलुएट कर लेगा, मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन अगर, इफ़ नॉर्मल जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो 60% और अगर रिजेक्शन फ्रैक्शन इज लेस देन 40% तो वो नॉर्मल नहीं होता, वो एबनॉर्मल होता है। ठीक है, और बात करते हैं, थिकनेस बता देता है ये, स्ट्रक्चरल चेंजेस बता देता है, वॉल्व के स्ट्रक्चरल चेंजेस बता देता है, पेरिकार्डिटिस बता देगा ये, अगर कोई इफ्यूजन है तो वो भी ये बता देगा इकोकार्डियोग्राफी। इसके साथ दूसरा इसका फॉर्म होता है ट्रांस ईसोफेजियल इको। इसमें क्या होता है, ट्रांस ईसोफेजियल इको ये नॉन इन्वेजिव नहीं है, ये इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें कोई जो फैटी पेशेंट्स होते हैं जिनका जो थिक चेस्ट मसल्स होती हैं उसमें प्रॉपरली विजुलाइज नहीं कर पाते, तो इसीलिए ट्रांस ईसोफेजियल उन पेशेंट्स में किया जाता है। इसमें करते क्या हैं, ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। इफ़ डायरेक्ट इको इज नॉट पॉसिबल, इफ़ डायरेक्ट इको इज नॉट पॉसिबल मतलब कि अगर फैटी पेशेंट्स और थिक चेस्ट मसल के साथ कुछ पेशेंट हैं तो उसमें अगर डायरेक्ट इको नहीं पॉसिबल हो पा रहा तो ट्रांस ईसोफेजियल इको करते हैं। इट इज़ डन टू विजुअलाइज द हार्ट एंड हार्ट मसल्स। तो ये है ट्रांस ईसोफेजियल इको, और इको के बारे में कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस को इवेल्युएट करता है इको। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट में सबसे बढ़िया एग्जांपल है ट्रेडमिल टेस्ट, TMT। तो ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो नॉन इन्वेजिव होता है। तो यूजुअली नॉर्मल ट्रेडमिल पे हम पेशेंट को फिजिकल एक्सर्शन या एक्टिविटी करने के लिए बोलते हैं, और ड्यूरिंग दैट फिजिकल एक्सर्शन या एक्टिविटी जो ECG चेंजेस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट CAD, ये मतलब CAD को डिटेक्ट करने के काम में आता है। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट CAD। इट एग्जामिन द हार्ट एक्टिविटी ड्यूरिंग फिजिकल स्ट्रेस, मतलब फिजिकल स्ट्रेस के टाइम पे जो हार्ट की एक्टिविटी है, जो हार्ट का रिदम है, उसकी जो चेंजेस हैं, हार्ट रेट है, उन सबको ये एग्जामिन करता है, उस सबको रिकॉर्ड करता है। तो इसका भी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऐसे एक ट्रेडमिल होता है, उस पर पेशेंट को इलेक्ट्रोड्स, ECG इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट करके खड़ा कर देते हैं और पेशेंट को BP का उसको लगा देते हैं और उसको फिजिकल स्ट्रेस देते हैं पेशेंट को, ताकि जो कार्डिक रिदम है, कार्डिक जो एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड करी जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये TMT का इमेज मैंने आपको दिखाया, TMT टेस्ट का, TMT स्ट्रेस टेस्ट का जो इमेज है मैंने आपको दिखाया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी। न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी में क्या होता है, इस टेस्ट में रेडियो न्यूक्लियाइड एजेंट, एक रेडियो न्यूक्लियाइड एजेंट जो है वो इंजेक्ट किया जाता है थ्रू IV कैनुला, IV रूट। ठीक है, और इसमें हार्ट की स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ रेडियो, इन दिस अ रेडियो न्यूक्लियाइड एजेंट इज इंजेक्टेड थ्रू IV रूट एंड हार्ट स्कैनिंग इज डन। तो हार्ट की स्कैनिंग करी जाती है, रेडियो न्यूक्लियाइड एजेंट डाला जाता है जिससे कि पता लग जाता है कि कौन से टिश्यू में इन्फार्क्शन है। बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, टिश्यू इन्फार्क्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए रेडियो न्यूक्लियाइड एजेंट डाला जाता है। जो एजेंट यूज़ करते हैं उनके नाम देख लेते हैं, थैलियम एंड टेक्नीटियम। तो थैलियम और टेक्नीटियम जो हैं उसके
एजेंट यूज करे जाते हैं न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी में टू आइडेंटिफाई इन्फार्क्टेड टिश्यू. इन्फार्क्शन MI में बेसिकली ये यूज होगा ये टेस्ट, और इसमें इन्फार्क्टेड टिश्यू को आइडेंटिफाई करा जा सकता है इजिली कि कौन सा टिश्यू जो है कहाँ कहाँ तक डैमेज है, कहाँ कहाँ तक इन्फार्क्ट हो चुका है. ठीक है, ये बात थी न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी की. नेक्स्ट बात करते हैं MRI की. MRI में बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूजुअली आपको पता है उसका फुल फॉर्म. और जो कार्डियोसाइट से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि पेसमेकर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन MRI. तो जो पेसमेकर है वो MRI के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है. ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन याद रखने वाली है. जो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि MRI जो है कौन से केसेस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो मतलब पेसमेकर जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है MRI में. ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं कार्डिक कैथेटराइजेशन. कार्डिक कैथेटराइजेशन की बात करें तो सिंपल कैथेटराइजेशन करके विजुलाइज किया जाता है वेसल्स को. तो इंसर्शन ऑफ ए कैथेटर इनटू द हार्ट चैम्बर एंड सराउंडिंग ब्लड वेसल्स. मतलब हार्ट चैम्बर में इंसर्शन होता है कैथेटर का, और सराउंडिंग ब्लड वेसल्स को विजुलाइज करके देखते हैं कि कहीं पे कोई क्लॉट, कोई डैमेज या फिर कोई एथेरोमा जो प्रेजेंट तो नहीं है, लिपिड की डिपोजिशन तो नहीं है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है. बेसिकली ये जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए. कार्डियक कैथेटराइजेशन करके देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या चीज़ उसको ब्लॉक कर रही है, और उसको उसी उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाता है. तो कार्डियक कैथेटराइजेशन की भी मैं आपको इमेज बता देता हूँ, दिखा देता हूँ. तो ये तो MRI की इमेज है. तो कार्डिक कैथेटराइजेशन नॉर्मल कैथेटराइजेशन करी जाती है, उसमें नॉर्मल एक कैथेटर डाल दिया जाता है जिसमें जो है विजुलाइज किया जाता है हार्ट चैम्बर्स को और ब्लड वेसल्स को. ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट CVP मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से. CVP मॉनिटरिंग, सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग. CVP का फुल फॉर्म सेंट्रल वीनस प्रेशर. सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? इट इज़ द प्रेशर इन द सुपीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम. जो राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना कावा का प्रेशर है उसको मॉनिटर किया जाता है. कैसे मॉनिटर किया जाता है? जो जीरो लेवल है इज एट राइट एट्रियम. तो जो राइट एट्रियम का लेवल होता है वो जीरो लेवल होता है. वहाँ पे जो CVP मैनोमीटर होता है जीरो को वहाँ पे राइट एट्रियम पे प्लेस किया जाता है. मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ कि राइट एट्रियम पे कहाँ पे प्लेस किया जाता है, कहाँ पे होता है. राइट एट्रियम इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस. फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस या फिर एट मिड एक्सिलरी लाइन. जो मिड एक्सिलरी लाइन है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, वहाँ पे जीरो लेवल को प्लेस किया जाता है. और उसको बोलते क्या है? फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस उसको बोला जाता है. सपोज जो चेस्ट होता है नॉर्मल जो चेस्ट होता है उसमें जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड एक्सिलरी लाइन पे जो है यहाँ पर फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस बोलते हैं इसको. फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस इसको बोला जाता है और यहीं पे इसको जीरो कंसीडर किया जाता है. यहीं से इसका मेजरमेंट किया जाता है एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, जिसको फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस बोलते हैं. और अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो CVP कैसे मॉनिटर करना है? CVP शुड बी मॉनिटर्ड एट एंड ऑफ एक्सपायरेशन. मतलब कि जब पेशेंट अपनी इंस्पिरेशन लेगा, एक्सपायरेशन लेगा, तो इट शुड बी रिकॉर्डेड एट एंड ऑफ एक्सपायरेशन. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात थी कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हमने डिस्कस किए और कुछ टर्मिनोलॉजी कार्डिक से रिलेटेड. हमने बहुत सारे टेस्ट डिस्कस किए जो कि अभी आगे आने वाले चैप्टर में जब हम आपको कार्डियो पढ़ाएंगे तो वो यूज़ होंगे. तो ये था फ्रेंड्स छोटा सा वीडियो किरोशन नर्सिंग एकेडमी की तरफ से. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ. तब तक के लिए गुड बाय.